जो हर्षराज था ये बीएन कॉलेज में बीए फाइनल का स्टूडेंट था और पटना लॉ कॉलेज में परीक्षा देने गया था। वहाँ इसकी परीक्षा का केंद्र था और वहीं पीट पीट कर ईंटों से और डंडों से पीट पीट कर 8-10 लोगों ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन दिक्कत क्या है कि पटेल छात्रावास के गुंडों को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनको खुला संरक्षण प्राप्त है। हर्षराज जो था वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय था, उसका अपना एक संगठन था लोकनायक युवा परिषद, और अभी जो शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है समस्तीपुर में लोजपा की प्रत्याशी है, उसके लिए उसने बढ़ चढ़ कर प्रचार किया था। कि हत्या हुई वो तो खैर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि बीच राजधानी में और वो भी एक कॉलेज कैंपस में और दिन दहाड़े और परीक्षा के दिन तो यूँ भी वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है। ये भी जांच का विषय है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। सिटी एसपी का कहना है कि उसमें जैक्सन हॉस्टल के एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है, चंदन यादव। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज की बीते दिनों निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई पीट पीट कर, जिसके बाद अब जाकर खबरें आ रही है कि जहां पर जो आरोपी है चंदन यादव को पकड़ा गया है। चंदन यादव जो है बिहटा के अम्हारा का निवासी है, जहां पर बीते शाम जो है पुलिस ने कहीं ना कहीं टीम गठित कर चंदन यादव की गिरफ्तारी की है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुलिस सही तरीके से अपना काम कर रही है। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास। अमिताभ दास जी, क्या कहिएगा हर्षराज को लेकर? लगातार आपका वीडियो देखने को मिल रहा है, ऐसे में मुखर होकर अपनी आप बात रख रहे हैं हर्षराज को लेकर। हत्या कर दी गई थी, अब जाकर खबरें आ रही है चंदन यादव नामक एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। ये पहले मैं दर्शकों को संक्षेप में ये मामला बता देता हूँ। ये जो हर्षराज था ये बीएन कॉलेज में बीए फाइनल का स्टूडेंट था और पटना लॉ कॉलेज में परीक्षा देने गया था। वहाँ इसकी परीक्षा का केंद्र था और वहीं पीट पीट कर ईंटों से और डंडों से पीट पीट कर 8-10 लोगों ने इसकी हत्या कर दी। हर्षराज जो था वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय था, उसका अपना एक संगठन था लोकनायक युवा परिषद, और अभी जो शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है समस्तीपुर में लोजपा की प्रत्याशी है, उसके लिए उसने बढ़ चढ़ कर प्रचार किया था। और नेट पर हर्षराज की तस्वीरें भी हैं, अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके साथ गुलदस्ता देते हुए, तो इसकी मतलब, और छात्र संघ का चुनाव लड़ने की भी तैयारियां कर रहा था, जैसा इसके पिताजी ने बताया है मीडिया को। इसके पिताजी मतलब रिपोर्टर हैं एक अखबार के। तो इसकी हत्या हुई वो तो खैर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि बीच राजधानी में और वो भी एक कॉलेज कैंपस में और दिन दहाड़े और परीक्षा के दिन तो यूँ भी वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है। ये भी जांच का विषय है कि पुलिस वाले क्या कर रहे थे। तो बहुत सनसनीखेज है। उस पर कल कारगिल चौक पर प्रदर्शन भी हुआ है छात्रों का। अब देखिए उसमें जो मामला आया है, मैं सिटी एसपी का देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिटी एसपी का कहना है कि उसमें जैक्सन हॉस्टल के एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है, चंदन यादव को, जो जैसा कि आपने बताया कि वो बिहटा के अम्हारा कराने वाला है। और इन लोग का कहना है कि पिछले साल दशहरा के समय मिलर हाई स्कूल में एक डांडिया नाइट का आयोजन किया था, इसी ने आयोजन करवाया था हर्षराज जो मृतक है, और उसमें जब चंदन यादव अपने साथियों के साथ मतलब घुस रहा था, एंट्री कर रहा था, तो इन लोगों ने घुसने नहीं दिया था। और बाउंसर जो होते हैं, जो लंबे चौड़े पहलवान नुमा लोग होते हैं, सुरक्षाकर्मी बाउंसर जिनको कहते हैं, बाउंसरों से इन लोग की पिटाई करवा दी थी। तो पटना पुलिस की ये थ्योरी है कि उसी पिटाई से खुन्नस खाकर इसने हर्षराज को मतलब एक साजिश करके, एक षड्यंत्र करके मौके की ताक में था और इसने हत्या कर दी। तो पटना पुलिस का ये कहना है कि अब इस कांड का उद्भेदन हो गया है और मेन आरोपी चंदन यादव था, उसने कबूल कर लिया वगैरह वगैरह। और भी कई लोग तस्वीरों में दिख रहे थे जिन्होंने, हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो पहली बात देखिए, इसमें मुझे लगता है कि पटना पुलिस बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और कहीं ना कहीं अनुसंधान की दिशा को भटकाया जा रहा है। अब देखिए असलियत क्या है कि हर्षराज की जो हत्या हुई है, हो सकता है चंदन यादव हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो निर्दोष है, लेकिन हर्ष यादव की हत्या एक तो वीडियो में ही आया है कि 8-10 लोग हैं, अकेला तो चंदन यादव है नहीं। दूसरी बात की जो मेरे सूत्र बताते हैं कि इससे पटेल छात्रावास जो है, उस पटेल छात्रावास के भी गुंडों का हाथ था। और अभी 10-15 दिन पहले पटना में जो एक NIT घाट है, जिसको गांधी घाट भी कहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे जो है, उस पर भी पटेल छात्रावास के गुंडों ने हर्षराज को धमकियां दी थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि पटेल छात्रावास के गुंडों को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनको खुला संरक्षण प्राप्त है, तो उन लोग का मनोबल ऐसे ही ऊंचा रहता है। तो मेरा अपना जो संदेह है, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दबाव है और इसलिए जो पटना पुलिस है वो पटेल छात्रावास के गुंडों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है और उसको पूरे मामले को जैक्सन हॉस्टल और चंदन यादव की तरफ भटकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जांच जो है वो ईमानदारी से नहीं हो रही है। जातियों को लेकर भी बातें हो रही है, विवाद हुआ है क्योंकि चंदन यादव समाज से आते हैं। जी जी, देखिए वो तो देखिए बिहार में कुछ भी होता है तो एक उसको तो थोड़ा जातीय रंग दे ही दिया था। अभी जैसे छपरा में भी जो गोलीबारी हुई तो उसको भी जातीय संघर्ष का रूप दे दिया गया, तनाव बढ़ा, नेट बंद किया गया, इंटरनेट बंद किया गया।
तो ये तो, और ये बात एक सच्चाई भी है, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं खुद न्यूटन हाउस और कैवेंडिश हाउस में था, तो ये बात भी सच है कि बहुत सारी जो गुटबंदियाँ होती हैं या छात्र राजनीति होती है वो जाति आधार पर होती है। ये बात भी मतलब एक कड़वी सच्चाई होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि कहीं अगड़े पिछड़ों का होता है, कहीं यादव बनाम भूमिहार का होता है इस तरह का, कहीं कुर्मी बनाम भूमिहार होता है इस टाइप से, तो वो तो हो ही सकता है, उसे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा पटना पुलिस से भी कि देखिए मुख्यमंत्री तो आएंगे जाएंगे, पलटू राम कोई अस्थाई चीज़ नहीं है, आपको कानून के अनुसार काम करना है, संविधान के अनुसार काम करना है, और ऐसा ही काम कीजिए जो विधि सम्मत हो, किसी को बचाने और किसी को फंसाने में नहीं रहिए, क्योंकि ये बहुत सनसनीखेज हत्या है, इस पर पूरा मतलब बिहार का ध्यान है। और इस तरह से देखिए पटना यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है, पटना यूनिवर्सिटी को कल बंद करना पड़ा, तो एक तरह से बिहार को पूरी तरह शैक्षणिक अराजकता की तरह ये मतलब धकेला जा रहा है। ऐसे ही बिहार में सत्र जो है वो देर से चलते हैं, उस पर से परीक्षा देर से होगी तो क्या होगा जी। चंदन के साथ और लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे अमिताभ? एकदम मांग करूंगा, ये तो वीडियो ही दिखा रहा है कि 8-10 लोग हैं, ठीक है हो सकता है वो षड्यंत्र में शामिल हो, मैं नहीं जानता, लेकिन अकेले तो नहीं था, और वो बाकी लोगों के नाम बताए है ना। और पटेल छात्रावास पर भी छापामारी होनी चाहिए, मुझे सोचता है कि वहाँ भी बहुत अवैध हथियारों का जखीरा रहेगा जी। देखिए पटेल छात्रावास पर कहीं ना कहीं छापेमारी की मांग कर अमिताभ दास यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हथियारे को जखीरा जो है वो कहीं ना कहीं मिल सकता है। देखा जाए तो पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहा है, ऐसे में जिस तरीके से वीडियो में कई सारे छात्र दिख रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जांच कर, क्योंकि चंदन की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई इसको देखते हुए चंदन को पता हो कौन कौन लोग उनके साथ संलिप्त थे और किस बात को लेकर जो है लोगों ने ये काम किया, ये भी कहीं ना कहीं जानकारी पूरे तरीके से लेने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से खबरें इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि दशहरे के टाइम जो है कहीं ना कहीं डांडिया का शो था, इसको देखते हुए खुन्नस जो है निकालने के चलते चंदन यादव ने हर्षराज की हत्या की। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, बिहार के पूर्व आईपीएस संताप कुमार दास को सुन रहे थे, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।